बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपको पता ही है हम एक्सरसाइज 1.1 जो है स्टार्ट कर चुके हैं और उसके शुरू के 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आज हमारा वीडियो नंबर 6 रहेगा ना, फोर्थ क्लास के अंदर। हम आज 7th क्वेश्चन जो है उसे करेंगे। देखिए कैसे करना है हमें 7th क्वेश्चन। ऑब्जर्व, 7th के हम बहुत सारे पार्ट्स हैं तो हम कोई बात नहीं, इन्हें करके देखते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स का आपको पैटर्न जो है वो पहचानना है, और पैटर्न पहचानने के बाद आपको यहाँ आगे जो है ना 5 नंबर्स और लिखने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ही करते हैं। देखिए आपको इतनी बड़ा नंबर दिया हुआ है, आप सिर्फ इतना देखिए, 34 34 34, ये तो सेम ही है। यहाँ भी 2 2 2, देखिए 3 डिजिट तक तो सेम ही है ना, ये सारा तो यहाँ तक तो आप सेम ही है, तो इन्हें रहने दीजिए। इसके अब आगे का देखिए, 15, ये 17 और ये 19। देखिए इनका पैटर्न पहचानने की कोशिश कीजिए बेटा। 15 के बाद क्या आता है? 16, तो 16 को छोड़ दिया है। 15 के बाद 16 को छोड़ा, 17, फिर आपने 18 को छोड़ा और 19। इसी तरह हम 20 को छोड़ेंगे तो यहाँ 21 आएगा, फिर 22 को छोड़ देंगे, 22 देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 21 हो गया तो 22 को छोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा, फिर 24 को छोड़ दीजिए, 25 आएगा, 26 छोड़ा, 27 आएगा, और 28 छोड़ा, 29 आएगा, ठीक है। ये आप नंबर्स लिख दिए, आपने पहचान लिया पैटर्न, और उसके आगे आपको जो नंबर, जो सेम नंबर्स है ना, वो तो आप ऐसे कैसे लिख दीजिए। 342 है ना, तो आप भी 342 342 342 342 342, आप भी इसी तरह से इनमें कंप्लीट कर दीजिए। इजी है ना, मजे आए देखिए करने में। देखिए हम सेकंड और करते हैं ना, आसान रहेगा। तो 373 373 373, यानी कि यहाँ भी जो है ना, ये तीन तीन नंबर्स जो है वो इक्वल हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ क्या है, 9, फिर यहाँ पे 14 और यहाँ पे 19। अब आप पैटर्न पहचानने की ज़रा कोशिश कीजिए, इसका पैटर्न हम पहचाने। अगर क्या है ये पैटर्न, देखिए बहुत सारे बच्चों को कोशिश की होगी तो समझ में आ गया होगा पैटर्न अब तक तो, है ना। देखिए 9 के बाद 14, देखिए 9 के बाद 14 कब आता है, आप देखिए मेरी उंगली को आप ज़रा देखिए गौर से, तो आपको पता चलेगा। 9 के बाद 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि आप देखिए 1 2 3 4 और फिफ्थ नंबर लाए हम सीधा, है ना। 9 के बाद 14 फिफ्थ नंबर पे आता है, और 14 के बाद 19, देखिए 14 के बाद 15 16 17 18 19, यानी आप हर फिफ्थ नंबर की बात कर रहे हो पांचवे नंबर की। तो अब 19 से आप पांचवा नंबर देखेंगे, अगर 19 के बाद देखिए 20 21 22 23 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24। इसी तरह 25 26 27 28 29, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 29। इसी तरीके से हम इसमें आगे भी लिख देंगे, यहाँ 34 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका 39, और 39 के बाद आ जाएगा आपका 44। इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम सेम ही नंबर लिखेंगे, 373 373 373 373 और 373, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? देखिए अब इसका एक और जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद ना दो जो हैं आप खुद करें, ठीक है। आप दो जो हैं वो खुद ही करेंगे तो हम फिर देखिए मैं आपको ना इसका COD आप खुद करें बेटा, मैं आपको इसका ई क्वेश्चन बता रही हूँ, ये दोनों आप खुद करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं आपको ई बताती हूँ, देखिए 5 4 5 4 5 4, ये सेम है कि नहीं है, 9 7 9 7 9 7, ये भी सेम है, सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है, ये 3 ये 4 ये 5, समझ गए आप, 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी आपका आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपको बीच वाला ये डिजिट है ना, ये चेंज करते जाना है, 1 प्लस करते जाना है, 5 तक हो गया है,
अब आप देखिए यहाँ पे 6 आएगा, या 7, या 8 और या 9। अभी 10 वाले को रहने दीजिए, इसमें लिख दीजिए। आगे जो आपके सेम है 54 वो लिख दिया, और 97 आप पीछे लिख दीजिए इसमें। 54 आगे 97 पीछे, 54 आगे 97 पीछे, 54 आगे और 97 पीछे लिख दिया अब आपने। अब देखिए बेटा, जैसे ही आप यहाँ पे ना 1 प्लस करेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा। तो 10 आप देखिए, आप करिए ज़रा, 1 प्लस है ना, तो कितना आ जाएगा देखो। आप 1 ही प्लस करते हो ना, 6 से आप 7 पे आ गए, आपने 1 प्लस किया था, 8 पर आ गए है ना। अब आप करो 1 प्लस, यहाँ पे देखिए 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, 0 हो जाएगा, कैरी लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 55 हो जाएगा ना। 4 और 1 कैरी के साथ आएगा 5, और यहाँ पे 97 तो है ही, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 55097। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन आपको, ईजी है। अब आप सी और डी जो है ना इसके, वो खुद मुझे करके बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पहचानिए सबसे पहले कि कौन सा वाला आपका चेंज हो रहा है। देखिए जो ये क्वेश्चन है, इसमें भी यही वाला जो नंबर है ना वो चेंज हो रहा है, इसमें सेम टू सेम इसके जैसा है। और ये वाला जो नंबर है यहाँ, अगर हम पहचाने तो ये जो नंबर है ना 1000 प्लेस वाला, ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, 1000 प्लेस वाला है ना। देखिए 9 था, 9 में 1 प्लस करा तो 10 होकर 0 हो गया, यहाँ कैरी लग के 4 हो गया, फिर 4 से 0 से फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरह से आपको उसमें चेंजेस लाने हैं। ओके, अब इनकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए और सेफ रहिए, और CW जो है आपका टाइम पर करते रहिए। थैंक यू।